चलो फिर आज बनाते हैं चावल फ्राई कुछ यूनिक तरीके से, जो कि आपने इसके पहले कभी नहीं खाए रहोगे और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको लहसुन और मिर्ची को बारीक ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद थोड़े से तेल के अंदर 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भूनना है। भूनने के साथ में आप इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा आप जीरा पाउडर डाल दीजिए। उसके बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे आप इसको भून लीजिए और निकाल लीजिए। तो अभी आप देख सकते हो 1 से 1.5 मिनट बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और मैंने इसको निकाल लिया है। दूसरी और वही कढ़ाई के अंदर आपको तेल लेना है, हरा प्याज डालना है आपको, साथ में आप यहाँ पर टमाटर डाल दीजिए और जो पत्ता गोभी होता है वो डाल देना है। ये सारी चीजें डालने के बाद आप जो पेस्ट हमने रेडी करके रखा था लहसुन मिर्ची का वो डालना है, और वो आपको इतना ही डालना है जितना आपको तीखा खाना है। थोड़ा सा आपको हल्दी पाउडर भी साथ में डाल के इसको अच्छे से भूनना है ताकि हल्दी की स्मेल निकल जाए। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी चावल घर में होगा या चावल बच गया रहेगा वो डालना है। थोड़ा सा आपको धनिया की पत्ती, थोड़ा सा आप लेमन जूस या फिर आप जो ब्लैक सॉल्ट होता है ना आप उसका थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, और साथ में ही आपको जीरा पाउडर डाल के इसको भून लेना है अच्छे तरीके से। घड़ी देखकर आपको इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लीजिए और ये हो जाएगा रेडी। और इसे बनाना गाइस बहुत इजी है और सच में आपको ये बहुत ज़्यादा यमी लगेगा। तो अब आप इसको खा सकते हो गर्मा गर्म, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और एक लाइक वीडियो। बाय।